हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनबॉक्सिफाई। आज हम एक पैकेजिंग को डिस्कस रिटेल पैकेजिंग को डिस्कस करेंगे, जो कि है बेविजिला की टर्किश हेजलनट कॉफी पाउडर। डिस्कस करना है कि हम बेसिकली प्रोडक्ट डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ पैकेजिंग डिस्कस करेंगे। ये एक रिटेल पैकेजिंग है और जो रिवर्स टाइप बॉक्स बना हुआ है, और अंदर से इसको बनाने इस पैकेजिंग में कॉफी बॉटल को रखा गया है, जो कि ग्लास बॉटल है। नीचे से भी ये रिवर्स टाइप फ्लैप में ही बना हुआ है, और बॉटम को इसको सिक्योर करने के लिए इस टाइप का एक फ्लैप दिया हुआ है, और इसके अंदर एक बॉटल है जो श्रिंक सील है, साथ में एक लेबल है जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। सो, अभी हम पैकेजिंग सिर्फ कार्डबोर्ड बॉक्स को डिस्कस करते हैं। इस बॉक्स के टॉप पे भी इसी टाइप का एक फ्लैप दे रखा है, जिसके अंदर आप बॉटल को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये टोटल बॉक्स जो है, ऊपर एक होल है जहाँ पे बॉटल रखी जाएगी, और नीचे एक ये फ्लैप है इस तरीके का। और अब आप इस बॉटल, इस पैकेजिंग को, बिल्कुल नॉन कॉरोगेटेड बॉक्स है ये, बेसिकली इसको हम कार्डबोर्ड बॉक्स बोलते हैं, वो बना हुआ है। और इसके ऊपर आप इसकी फील को चेक करेंगे तो ये पूरा जो है एम्बोजिंग से करके एम्बोज किया हुआ है बॉक्स को, और साथ में इसके ऊपर एक यूवी प्रिंटिंग है, यूवी बेसिकली कोटिंग है, जो इसकी ब्रांड को और प्रोडक्ट को काफी अच्छे से उभारता है। तो ओवरऑल कहें तो रिटेल के हिसाब से बड़ी एस्थेटिक्स पैकेजिंग है, बट ई कॉमर्स के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं है। ई कॉमर्स को, अगर आप इसको ई कॉमर्स में यूज करेंगे, तो इसके ऊपर एक आपको सेकेंडरी पैकेजिंग लगानी पड़ेगी। सो प्रोडक्ट ऑब्वियसली, जब कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है तो अपनी तरफ से पूरा 100% करता है, और इन्होंने भी किया है। पैकेजिंग वाइज इज वेरी गुड, आपको देख के एक बार जरूर मन करेगा कि आप इसको लें और पिए। टेस्ट अभी मैंने नहीं पिया है तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।